कैस्पर तूने घर में आए मेहमान को रुलाया। फिर इसका सारा सामान पैक हो चुका है, गाइस जा रहे हैं घर छोड़ के। दीवार पे देख सकते हो बहुत मेहनत लगी है ये करने में। डियर पापा मॉर्निंग गाइस, मसाज की जरूरत तो मुझे है, मैं थकी पड़ी हूँ जिम से। देखो क्या हो रहा है, हेड मसाज नहीं होती सलून में जैसे करते हैं, इसकी मसल्स यहाँ से हल्की हल्की स्किन पकड़ के कर रहा हूँ मैं। इतना खुश है, नींद भी ले रहा है। तो देखो इंसान हम सब एक जैसे होते हैं, फीलिंग्स तो सबकी होती है। सुबह सुबह कैसे भूत की तरह खड़े हैं, दिखाई दोबारा सकल। मैं लाइट ऑन करने वाला था भाई, अभी दोनों डरा रहे हैं घर के अंदर। एक लाइट ऑन, एक लाइट ऑन, देख रहे हो लोग में भाई सब लाइटिंग लाने के लिए ऐसे करना पड़ता है। बिना लाइटिंग के ये हाल होता है घर का। एक लाइट ऑन, एक लाइट ऑफ, कितना अंधेरा होता है। अच्छा हाँ, ठंड वाले कपड़े भी निकालने भाई, उसमें से सुबह सुबह कोई जैकेट नहीं होती ना, है ना कैशू? सही बात है बिल्कुल। साले आलसी, और इसका देख लो भाई साहब, रात तक खाना यहाँ तक रख देते, हम कुछ नहीं खाता। अकड़ के ठंड के मारे खाना भी कह रहा भैया, बस अब हमें डोगी को दे दो बाहर किसी और को। कॉफी आ गई, जल्दी ऊपर आ जा, जल्दी आ जा ऊपर, कॉफी पियेंगे। देख अपनी सीट ले ली इसने भाई, कल रात को पिक्चर देखी, एक पैकेट निपटा दे जो उसका। कल रात को मेरे से कह रही कि क्या बोलते, क्या मैं थोड़ी सी खा सकती हूँ भाई, आधी खाई है इसने इसमें से। कल मैंने कुछ भी ऐसा नहीं। और ये कैस्पर ही दीदी को दे दिया पैकेट, ठीक है ले इसको रख ले, इसको यहाँ रख ले, दीदी को आती दे दियो। अरे रात को चैलेंज फेल हो गया इसका, तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब ये सबूत है, तूने आधी खाई है नहीं खाई है, तो ये तो खाओगी। तूने कहा था बाहर का नहीं खाई कुछ भी, ऐसे दूध भी बाहर से आता है, मतलब चॉकलेट तो नहीं खाते ना। खाना जो बाहर से आता है पिज्जा वगैरह, और ये भी खाता सिर्फ संडे खाऊंगी, ऐसा नहीं खाता खाऊंगी। लिमका भी पिए भाई साहब इसने, लिमका आधी तो लिमका पी गई, खा जाए लिमका भी नहीं पी, एक सिप लिया था। अरे रहने दे, और उसके बाद फिर रात को ये सुन रही थी ये रूम फ्रेशनर कुछ भी मुझे भाई तू हार गई है ना, कैसे हार गई नहीं। Yes. मम्मी लगाना आवाज, अपनी मम्मी से बात कर रही फोन पे, और इतनी समझदार है इसकी मम्मी कि वो मना कर रही नहीं आते, क्या बताए, एक लड़की ब्याही था, लड़की घर नहीं जाते, लेकिन ये जबरदस्ती ऐसा कर रही है, फोर्स कर रही है, फोर्सफुली बुला रही है भाई साहब, इतनी बुरी कैसे होती है यार, क्या कहेगा समाज अंकी, क्या कहेगा आज के आधुनिक लोग। देख लो मम्मी से, ये देख ये बिल्कुल, अच्छा तो मतलब कि सारी बातें सुन रहे हैं भाई, कॉफी ऑफी सब छोड़ दी इस लड़के ने, दीदी के आती कैसे अटैक कर दे, छोड़ी मत सीमा दी, चुप जाओ। अरे अच्छा दीदी के साथ दीदी आई है, अच्छा देख 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 देख, कैस्पर जाने मत दियो किसी को भी आज, दीदी की बहन आई है तो देख, वो देख देख कैस्पर पीछे पड़ गया, वो डरा दिया कैस्पर ने, वो देख कैस्पर नहीं रुक नहीं देगा, कैस्पर क्या हो गया तेरे से, कोई बात नहीं कर रहा, देख 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 देख, अरे वो रो गई, रुला दिया इसने कैस्पर, पीट इसने में रुला दी, ये भाई साहब कैस्पर कैसा आदमी है तू, ये कितना अच्छा है ये, पता काट तो तूने प्यार कर रहा है, कैस्पर तूने घर में आए मेहमान को रुलाया, पीट दे, अब दोस्ती होगी दीदी, इसने कल खा लिए बाहर की, इसने खा ली, इसने बाहर की से 5 रुपए खा लिए, आधी आधी खाई थी इसने, कल खा ली, इससे मैंने पूछा था कि लड्डू खा सकते हो, चैलेंज तूने, हाँ दीदी से चैलेंज तूने किया, दूध भी बाहर से, सुनो ये घर में आई रखी थी उससे, ओ भाई बाहर की चीज का मतलब ये होता है जो घर घर में तो नहीं बनी थी ना, नहीं रहने दे, दीदी आज इसकी खाना मत बनाना, इसका खाना कैंसिल आज तेरे लिए, कोई खाना नहीं बन रहा तेरे लिए, मंत्रा क्या होता है, तूने प्रॉमिस किया था चैलेंज, तू हार, तू चैलेंज मत हार, डबल सैलरी देनी पड़ जाएगी इस महीने, डबल। कैस्पर और इसका सारा सामान पैक हो चुका है गाइस, जा रहे हैं घर छोड़ के, ओए घर छोड़ के जा रहे हो तुम, मुंह धो रही थी, ब्रश भी नहीं करने के लिए, मेरे को इतना बात पानी है, तो कर दिए सारे इसके जितने भी है ना भाई, 10-10 साल पुराने कपड़े सारे इसमें डाल दिए, इसको निकाल दिया घर से, जा ओए ओए ढूंढो इसी में, तू भी जा, तेरे को भगा रहा हूं घर से मैं, जा इसी में निकलो, एक सूटकेस ये रहा, एक ये रहा, दहेज का सारा सामान इसे वापस कर दिया मैंने, ठीक है, ठंडे के कपड़े निकाल रहे हैं ये निकाल दे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ठंडे में बाहर जाते हैं बाइक वाइक पे चलाने के लिए, तो लोअर खींचे डाल लो, इसके बिना तो बिल्कुल, गाइस कमेंट कर देना कौन से ब्रांड की है, कमेंट जरूर कर देना यार, तू भी कमेंट कर दियो, ले देख तेरा फेवरेट ब्रांड है, ये तेरा फेवरेट ब्रांड कैस्पर का भी फेवरेट हो गया।
गाइज आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ वाओ के फर्स्ट पेपर ट्यूब विटामिन सी फेस वॉश के बारे में, जो कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि अभी ये आता है एक पेपर ट्यूब पैकेजिंग के साथ, क्योंकि वाओ ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है टू रिड्यूस 45% ऑफ प्लास्टिक यूसेज। हैशटैग एक छोटी सी शुरुआत। इसका मेन इंग्रेडिएंट है एक्टिव विटामिन सी, साथ ही साथ इसमें मेलबरी है और इसमें लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल्स ऑयल हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपकी स्किन को ब्राइटन रखने में, साथ ही साथ जो एज स्पॉट्स होते हैं, ऐसे फाइन लाइन्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं, उनको कम करने में, प्लस स्किन को बहुत ही डीपली क्लेंस करता है स्किन को बिना ड्राई आउट किए हुए। वाओ के सभी प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं, जो कि स्किन पर यूज़ करने के लिए बिल्कुल सेफ हैं, साथ ही साथ ये क्रुएल्टी फ्री हैं, क्योंकि इनका किसी भी एनिमल पे कोई टेस्ट नहीं हुआ है। वाओ के हर प्रोडक्ट पे आपको एक QR कोड मिलेगा, जिसे स्कैन करके आप प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो, साथ ही साथ इनके साइट पर जाके और भी प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, इनके साथ बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड फॉर सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस यू कैन डाउनलोड द वाओ एप्लीकेशन, एंड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड Deepak20। सो गाइज, चूज रिस्पॉन्सिबली एंड बी वाओ नेचुरली। अभी बाहर गए थे और ये कुकर लेके आए थे और ये कुछ फोटोज थी जो फ्रेम करा के लिए, और आपको इसको दिखाता हूँ। ये इसको 10 मिनट हो गई हैं शीशे के सामने, आपने आपको ऐसे निहार रही है। दीदी दीदी देख लो क्या कर रही है। दीदी हाँ, आप कैसे? चेक करने के लिए बाहर का कुछ खा तो नहीं रही है, और इसको जा तेरे को मिलना होगा दीदी से। ले सुबह मिला फिर दोबारा जाना है जल्दी। शाम के 6 बज रहे हैं, इस टाइम पे हमारा चल रहा है ना लंच ना डिनर, ये कौन सा है, ये ब्रंच भी नहीं है, ये अलग ही तेजस्वी लोगों की हरकत है भाई। और ये इसका ये पता नहीं कैस्पर से इंस्पायर्ड होकर इसने अपना टुनटुने लगा लिया। क्या बातें चल रही है बताइए। घर में ना शादी है तो इसलिए दीदी अभी आई नहीं है ना कुछ दिन। हाँ, तो मैंने दीदी से बोला जब कुछ अच्छा अच्छा बने तो ले आना यहाँ पे। चिकन नहीं वेज में बताओ। हर भाई कब बैठेगा? कैसी औरत, तो बस चिकन बनता हूँ क्या पूरे दिन? चिकन बनेगा, बिरयानी जो हमने फ्रेम करने के लिए उस दिन दी थी, तो ये आ गई है अभी। इनका अलग अलग फ्रेम है, 2-3 तो उन्होंने लगा के दी थी, बाकी हम लगाएंगे अभी। कैस्पर कितना मस्त लग रहा है इसमें। अभी फोटोज करते हैं असेंबल सारी और फिर यहाँ लगाएंगे। ड्रिल मशीन भी लेके आ गए पापा, तो मैं आपको दिखा दूँ। आधे घंटे से ऊपर हो चुका है इसको फोटोज लगाते हुए। इसमें क्या दिक्कत आ गई, एक तो सबसे पहले तो समझना पड़ा कैसे लगानी है, फिर दूसरी दिक्कत यह है कि कुछ फोटोज बड़ी हैं तो उनकी कटिंग करनी पड़ रही है साइड से, तो इस तरीके से अभी काट पीट के फिर ये पूरा घर सजाया जा रहा है फोटोज लगाने। ड्रिल मशीन और सबसे बड़ी दिक्कत है, ड्रिल मशीन आ तो गई है ना, पापा को आती मेरे को ना, मेरे को आती ढंग से चलानी, तो अभी देखते हैं क्या होगा। इसको तो अगर मैंने ड्रिल मशीन पकड़ा देनी इस औरत को, ये ड्रिल मशीन के साथ दीवार में घुसी मिलेगी। ये फोटो भाई साहब अच्छी लग रही है, ये तो मेरे मन में फेवरेट है। हाँ। तेजस्वी भाई साहब रामिडो जी, और देख सारा काम करवाया, सारा काम करा भाई, मेरी इधर लो मुझे भी तो देख। हाँ, ये रहा देखो इसमें, इसके अंदर सारा कूड़ा मैं नहीं भरा। फाइनली आप लोग को दिखाते हैं ड्रिल मशीन जो मंगाई थी। पापा इसके चक्कर में गए हुए थे पूरे पुरानी दिल्ली से, लाया ना पुरानी दिल्ली गए थे मेट्रो से ट्रेवल करते, चावड़ी बॉश की मंगाई है, तो बॉश की ये है 500, इसे 500 वॉट सही रहती है घर के कामों के लिए। इसको आप खोल के दिखाते हैं आप, डब्बे की पैकिंग ऐसी है जैसे कि कोई मिलिट्री इक्विपमेंट जो होते नहीं, वो MI रॉ एजेंट होते हैं, मिशन पे नहीं जाते हैं, रॉ एजेंट जाते हैं भाई साहब, बक्सा बक्सा। तो ये है इसका तामझाम, ये हो गई आपको मतलब कि अब पड़ोसी के घर में भी कब्जा करना हो तो आर पार करके उनकी दीवार गिरा के पूरा आप खुला मैदान बना सकते हो, लेकिन फ्रेम के लिए जरूरत नहीं है। हाँ, तो भाई ये सीरियस बात करें तो ड्रिल मशीन, ये सारे नट वट आ गए इसके, प्लेयर प्लेयर है, और ये हर एक चीज इसके अंदर है, हर एक तरह की सोल्डरिंग, ये पिलर में भी कर सकते ना, पिलर में भी हो जाएगी और वुड के अंदर हो जाएगी इससे ना, वुड के अंदर भी हर जगह हो जाएगी भाई। फाइनली पीछे आप दीवार पे देख सकते हो, बहुत मेहनत लगी ये करने में, इसमें किसी ने कोई काम नहीं करा है, इससे तो बिल्कुल काम नहीं करा है, जो काम किया है मैंने किया और पापा ने मिलकर किया है, मैंने कैस्पर ने भी करवाया, मैंने ये क्रम सेट करा है कैसे, लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पास से भी दिखाता हूँ एक बार। भाई तू हट जा, तो फ्रेम में मत आ, डिस्टर्ब कर रही है तुम्हारा फ्रेम। भाई ये है दीवार पे ऐसे लग रही है फोटोज, ये कुछ हमने डिजाइन बनाने की कोशिश करी, नेचुरल अपने आप ही बन गया, ऊपर ये फोटोज आ गई, फिर ये मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा लग रहा है, वाइड एंगल में भी देखते तो ऐसे कमरे में ऐसे दिखेगा भी लगा हुआ। हम ये सोच रहे हैं हाँ, अगर यहाँ थोड़ा सा उसका जुगाड़ जाए तो वो बैटरी वाली कुछ लाइट हाँ अच्छा लगेगा। नहीं यहाँ पर मैं बताता हूँ, एक ऊपर हल्का सा लैंप लगवा दो, वैसे लाइट लाइट भी तो हो गई भाई। भी बहुत बड़ा टास्क चल रहा है हमारे लिए, वहाँ से ना डैड लिख के नहीं आया बर्थडे के, इस केक के ऊपर पापा का बर्थडे आज,
तो अभी यहाँ पर बुरे से लिख रही है और तेजस्वी तो है ही कलाकार, टैलेंट पूरा है वैसे इसके अंदर। सर भाग इसलिए रहा है क्योंकि पटाखों की आवाज आ रही है, इसको बाहर बुझा दो। अरे जोर से करो ना, बेबू मार देगा फुकार। हैं बेबू मार देगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, ये मैंने लिखा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, पापा जी हैप्पी बर्थडे टू यू। खिलाओ मम्मी को, खिलाओ पहले तो। कैस्पर, कैस्पर को नहीं खिलाया किसी ने? हो अरे यार, कैस्पर को नहीं खिलाया किसी ने? कैसे देख रहा है? अरे यार इसको तो कैस्पर को भी खिलाएंगे। भाई कैस्पर को कोई नहीं खिला रहा है, ये बहुत गलत बात है। कैस्पर ना इंसाफी तेरे साथ, खा गया। अरे खा गया, अरे वाह गुड बॉय है, गुड बॉय। खा रहे रेड वेलवेट खा लेते हैं, वेलवेट अलग टेस्ट का होता है इसलिए भी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से इसको, इसलिए मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा मत देना, मैदा वैदा इसको रेड वेलवेट में मजा आ गया। आज तक नहीं खाया होगा? आज तो नहीं, आज ही खा रहे हैं। अब पापा का जो गिफ्ट है वो पापा को खुद लेके जाएंगे मॉल में, वहीं पर दिलवाएंगे, है ना? इनकी मर्जी है।